नमस्कार फरीदाबाद, मैं सौरभ भारद्वाज। हम लोग पहुंचे हैं बादशाह खान अस्पताल और हमारे साथ खड़े हैं, क्या नाम आपका? धर्मेश चौहान। धर्मेश चौहान है, क्या हुआ है वो बता दें थोड़ा सा। चार से पांच आदमी है मेरे गेट पे आए, उन्होंने गेट बजाया, मैंने गेट खोला, नींद में सोई हुई थी मैं। कब की बात है ये? सुबह 7 बजे 6:30 बजे, और जब नींद में मैंने गेट की आवाज सुनी, मैं आई हूँ खोलने के लिए, और एकदम ये धक्का मुक्की करने लगे, गाली गलौच देने लगे मेरे की, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, कभी पता चल जाएगा, बस यही कह रहे हैं अभी पता चल जाएगा और थोड़ी देर रुको। अंदर मेरे घुस आए, जब मेरा बेटा सुन के आया तो मम्मी के साथ मारपीट शुरू कर दी इन्होंने, तो मेरे बेटे के साथ भी मारपीट शुरू कर दी इन्होंने। अच्छा, हाँ जी, क्या कह क्या रहे थे वो? बस यही कह रहे थे कि हम क्या कहता अभी चल जाएगा, बता देंगे हम कहाँ से आए हैं। अच्छा, हाँ, मारपीट शुरू हो गई तो वो कुछ बता नहीं पाया। लोग थे पता चला कुछ? अब वो तो अपने आप को बिजली विभाग से बता रहे हैं। अच्छा, तो फिर क्या किया उन्होंने घर में आके? वो मारपीट शुरू कर दी उन्होंने। अच्छा, हाँ, घर में कुछ नहीं? हाँ जी, तो कुछ मीटर वीटर चेक किए उन्होंने? कोई लाइन कुछ भी नहीं किया उन्होंने, मीटर तो बाहर ही, अंदर थोड़ी था मीटर, मीटर तो बाहर ही लगा हुआ है। हाँ, तो अंदर आने का क्या वजह थी इनकी बताओ? हाँ जी, तो कोई पकड़ा गया उनमें से? हाँ, वो थाने में ही है वो। अच्छा, अब पुलिस पर है, उनका कुछ नहीं बिगाड़ रही। अच्छा, कुछ काम नहीं? नहीं नहीं, ये कह रहे ये तो जा सकते हैं, इनको तो परमिशन है, ये तो जा सकते हैं, घर में घुस के क्यों नहीं घुस सकते, इस तरीके से बोल रहे हैं वो। तो नहीं, जब मीटर बाहर लगे हुए हैं तो वो घर में क्यों घुसेंगे? कह रहे तुम मतलब चोरी करते हो, तार लगाते हो, ये बोलते हो, मेरी चेन भी निकाल ली है हाथापाई में। अच्छा, चेन भी? हाँ जी। तो अभी क्या मेडिकल करवाने आए हैं? हाँ जी, मेडिकल करवाने आए। पुलिस थाने में दे दिया आपने पकड़ के? हाँ, वो कोई पकड़ वकड़ नहीं है, वो तो हमें भी लाए थे और उन्हें भी लाए, पकड़ कुछ नहीं है। अच्छा, मतलब जब झगड़ा हुआ तो आपने पुलिस बुला ली? हाँ जी, उन्होंने भी बुलाई, हमने भी बुलाई। अच्छा, उनकी बाद में आई और हमारी पहले आ गई। आप भी वहीं थे? हाँ जी, मैं इसका पति हूँ। अच्छा, क्या नाम आपका? नाम सुभाष चौहान है। रात 4 दिन बाद हम गांव से वापस हुए, रात को 11:30 से 12 बजे के आसपास, शादी थी मेरी भतीजी की, उस शादी को करने के बाद तो हम सोए हुए थे सबके सब, लगभग 7 से 7:30 बजे के आसपास की बात है कि 4-5 लोग आके दरवाजा खटखटाते हैं। हम, मेरी तो वैसे भी तबीयत ठीक नहीं होती तो मैं दवा लेके सोता हूँ रात को नींद की। अब इसको ये गई दरवाजा खोलने, उन लोगों ने धक्का दिया, ये गिर गई वहाँ पे। पहले तो इसको ऐसे ऐसे किया, छींचना चपड़ी, और फिर गिर गई है। तो छोटा बेटा जल्दी जग के आया मेरा, उसने रोका तो पकड़ के उसको भी पीट दिया उन लोगों ने। अच्छा, फिर बड़ा बेटा ऊपर से 1st फ्लोर से उतर के आ गया वो भी, अब उन्होंने रोका तब, फिर इतने पीरियड में हमने कॉल कर दी 112 नंबर, PCR वैन आई, तब तक उन्होंने 10 से 15 लड़के और बुला लिए वहाँ पे, बताया कुछ नहीं। अच्छा, अब PCR के बाद में हम साथ में थाने आए, तब बताया जी मैं JEE हूँ पल्ला का, और वीरपाल सिंह नाम है मेरा, और उतने उसमें है, उन्हीं के सामने ही पल्ला थाने वालों ने MLC कराने के लिए यहाँ भेज दिया, हमें चोट लगी हुई है, MLC करा के आओ आप। ये है पल्ला थाने वालों ने भेज दिया MLC कराने के लिए? जी, अभी MLC करा के ही जाएंगे हम, अभी कर रहे हैं, चल रहा है प्रोग्राम। अच्छा, मेडिकल चल रहा है जी, क्या हुआ था, क्या नाम आपका? मेरा नाम सर सौरभ चौहान है। तो मैं सुबह उठा था तो मेरे घर से आवाज आ रही थी, कुछ लोग ना मेरी मम्मी से हाथापाई करके घर के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे, तो मैंने आके उन्होंने रोका, तो उन्होंने मेरे से हाथापाई करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो वो घर में घुसने की कह रहे हैं कि हमें घर में घुसना है, घर चेक करना, ये करना, मतलब वो बदमाशी की तरह, मतलब गुंडागर्दी करके घर में घुसने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है, अब जो फिर वो ये मैंने भाई भाई को बुलाया ऊपर से, तो आए तो फिर वो भाग गए निकल के। फिर थोड़ी देर बाद हमने गेट करते हैं, हम 100 नंबर कॉल करते हैं हमारे साथ ऐसा, तो वो कुछ पुलिस वालों को लेकर के हमारे घर आते हैं 112 नंबर से, बोलते हैं वो जो भी है, फिर बताते हैं कि हम JEE हैं, हम चेकिंग करने आए थे आपके घर में, ये है वो, तो आप कुछ दिखाओगे, कुछ बताओगे, जब बात करोगे जब तो हम आपको घर में आपके घुसाएंगे, चेकिंग करने के लिए कोई मना थोड़ी है, आप कोई नोटिस लेके आओ, आप बताओगे कि हमारा ये मैटर है, हम करेंगे, वो कुछ नहीं है, बस हमें अंदर जाना है, घर में घुसना है। सुबह हम सो के उठे अंधेरे में, वो आ रहे हैं 7 बजे, हल्का उजाला था, ज्यादा उजाला भी नहीं था सुबह, ठंड का टाइम है, तो उस टाइम वो धक्का मुक्की करके घर के अंदर घुस रहे हैं, तो अड़ोसी पड़ोसी आए, मारपीट की उन्होंने? हाँ, मारपीट हुई है, मेरे पैर में चोट है, MLC कटवाई हमने, ये अभी अंदर आके हॉस्पिटल में, मैंने अभी ट्रीटमेंट वगैरह करवाया, इंजेक्शन वगैरह लगाए मेरे, और अभी MLC मेरी कट रही है वहाँ से, फिर उसके बाद हम जाएंगे थाने, तो FIR वगैरह का दर्ज करवाएंगे हम, अभी एप्लीकेशन हमने थाने में दे दी है। ये तो जा सकते हैं, अंदर क्यों नहीं जाएंगे, इनको कौन रोक लेगा, ये तो अंदर जा सकते हैं। पल्ला थाने वाले इस तरीके से बात कर रहे हैं, बताओ क्या करें उनका? पल्ला थाने वाले ये कह रहे हैं कि ये तो सरकारी अधिकारी हैं, ये तो आपके घर में आ सकते हैं, आप कैसे रोक सकते हो उन्हें, ये है वो। अरे हम कब मना कर रहे हैं कि नहीं आ सकते, अरे आओ ना, मगर आप कुछ दिखाओ, कोई ID कार्ड कुछ दिखाओ ना, अब तो समझ में आ जाता है हमें, बताओ। हमारे घर में मर्डर करके चले जाएं लोग, हम कैसे मान लेंगे, ये पुलिस वाले बिजली वाले थे, अनजान आदमी को कैसे माना जा सकता है कि ये कौन है? हाँ, मतलब वो अपना कोई पहचान तो दिखाएंगे? हाँ, अपनी पहचान मांगने पे भी नहीं दिखाई, और वहाँ तक हम रोक रहे हैं तो हाथापाई हो रही है हमारे साथ,
तो ये बिजली विभाग और ये सरकारी अधिकारी वो जो थाने वाले कह रहे हो ये गुंडागर्दी से ज्यादा कम नहीं थी, ये कोई अधिकारी नहीं थे, ये गुंडे हैं। 10 से 15 आदमी और बुला लिया दोबारा में उन्होंने, पूरी गली भर गई उनके। अब जब जिस समय में मीटर उन्होंने घर के बाहर लगा दिए हैं विभाग ने, तो चोरी की कोई गुंजाइश ही नहीं है, तो अंदर चाहे वो कुछ भी कर रहे हैं तो कुछ भी हो सकता है, मतलब आदमी अपना बिजली अंदर चली गई घर में। सर सुबह के टाइम जब नींद में हैं तो नींद में जाके तो पहचान ही नहीं पाते, अचानक गेट भी खोल देते हैं, ऐसे इसने खोल दिया, तो ऐसा नहीं होता। 11 से 12 बजे के आसपास तो रात को आए ही थे हम लोग गाँव से, और हमें पता लगे कि कौन है ये करने वाले, तभी तो हम कुछ जवाब दें, पर उन्हें कुछ बताना नहीं, कुछ भी कहना नहीं, धक्का मार के बस अंदर जाएंगे, अंदर कैसे जाने देंगे ऐसे भाई। कल को मेरे बच्चे हैं। कितने आदमी पकड़े आपने वहाँ जवान साहब? 4 से 5 आदमी थे, पकड़े नहीं थी, वो सब भग गए वहीं पे थे उन्हीं के पास, उन्होंने तो बुला लिया पुलिस तो आएगी। 4 से 5 हैं वो, इतने तो मौजूद थे, इतने तो मैंने भी देखे वहीं दरवाजे के सामने काफी देर तक रहे, पूरी गली गवाह है उस चीज की। कोई सीसीटीवी वगैरह भी लग रहे हैं आपके? सीसीटीवी नहीं है इस समय, मेरे ही थे वो। कौन सी गली का मामला है? गली नंबर 3 है, शनिदेव मंदिर वाली गली, पल्ला में, उसमें सेहत सूर्य विहार पार्ट 2 में। सूर्य विहार पार्ट 2 का मामला है जी। जोड़ेंगे फरीदाबाद आपको शहर की ऐसी ही और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।